मुंबई इंडियंस वर्सेज राजस्थान रॉयल्स। सर, बड़े दुख के साथ एक बार फिर से बताना पड़ रहा है कि मुंबई इंडियंस एक बार फिर हार गया राजस्थान रॉयल्स के सामने। लेकिन आपके लिए बता दूं कि इस हार के बाद हार्दिक पांड्या ने जो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी, जो उन्होंने बोला, सुनकर आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा बोला है। और हार्दिक पांड्या ने जो है खुद को जिम्मेवार बताया है इस हार का। अब सर आपके लिए उससे पहले बता दूं, हार्दिक पांड्या की उस स्टेटमेंट से पहले आपके लिए बता दूं कि मुंबई इंडियंस ने ये कोई नया कारनामा नहीं किया है कि लगातार 3 मैचों को हार गई हो। इससे पहले भी मुंबई इंडियंस आईपीएल 2022 में लगातार शुरू के 6 मैचों को हारी थी। मतलब स्टार्टिंग के जो लगातार 6 मैच है उनमें से उसने एक भी मैच नहीं जीता था। उसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस जो है आईपीएल ट्रॉफी को ले गई और अब जो है 3 में से 3 मैचों को हार चुकी है। और हारने के साथ साथ मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर बरकरार है, लगातार 3 हारों के बावजूद भी। और उनकी जो है नेट रन रेट भी -1 कुछ में है। अब आपके लिए बता दें कि हार्दिक पांड्या ने हार के बाद क्या बोला है। तो सर अगर आसान भाषा में मैं आपके लिए बताऊं कि महेंद्र सिंह धोनी की भी जो है इसीलिए ज़्यादा फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे, जीतने के बाद तो जो बाकी के 10 प्लेयर्स हैं उनको मीडिया के सामने खड़ा करते थे, वो फेस करते थे मीडिया को जीत के बाद, लेकिन हार के बाद खुद जो है महेंद्र सिंह धोनी मीडिया को फेस करते थे। यही हार्दिक पांड्या ने बोला है मीडिया के सामने। पांड्या साहब ने साफ तौर पर कहा कि बाकी जो 11 प्लेयर्स हैं उनको साइड में रखकर कहा कि इस हार का जिम्मेवार मैं हूँ, मैं जो है मुझे जो है और क्रीज पर टिकना था और जो स्कोर कार्ड है उसको 150-160 रन तक पहुंचाना था। अगर 150-160 रन जो है स्कोरबोर्ड पर होते तो हम मैच में अच्छी फाइट कर सकते थे, हमारे पास उतनी अच्छी बॉलिंग है। यह हार्दिक पांड्या ने साफ तौर पर कहा है, मतलब खुद को जिम्मेवार बताया है। आप क्या कहेंगे सर हार्दिक पांड्या के लिए, मुंबई इंडियंस टीम के लिए? चैट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।